हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएस और बीएससी के दरमियान डिफरेंसेस और कौन सी डिग्री बेटर है। देखते हैं डिफरेंसेस। तो दोनों ही बीएस और बीएससी दोनों एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस। कुछ जगहों पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएस को बैचलर ऑफ स्टडीज़ भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम्स का, दोनों के एग्ज़ाम्स किस तरह होते हैं। बीएस सेमेस्टर बेस्ड डिग्री है, ये टोटली इसमें जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जाएं तो बीएस सेमेस्टर सिस्टम में ऑफ़र की जाती है। जबकि बीएससी जो है ऐसी डिग्री जो सेमेस्टर सिस्टम में भी ऑफ़र होती है और ज़्यादातर एनुअल सिस्टम में ऑफ़र की जाती है। टोटल 8 सेमेस्टर हैं बीएस में, और बीएससी के अंदर जो 2 ईयर्स का प्रोग्राम है उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, और बीएससी ऑनर्स जो होता है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो बीएस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 8 सेमेस्टर की डिग्री है और सेमेस्टर बेस्ड है। सेमेस्टर की फ़ीस वैसे ही ज़्यादा होती है, 6 मंथ बाद फ़ी पे करना पड़ती है। जबकि बीएससी की फ़ीस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बीएस, एनुअल सिस्टम है उसमें, साल में एक बार पे करना पड़ेगी फ़ी, और अगर 2 ईयर्स प्रोग्राम है तो सिर्फ साल में 2 बार फ़ी पे करना पड़ेगी। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस की ड्यूरेशन है 4 ईयर्स की, और बीएससी की ड्यूरेशन 2 ईयर्स होती है, और बीएससी ऑनर्स जो होता है उसकी ड्यूरेशन 4 ईयर्स की होती है। यूके के अंदर 3 ईयर्स बीएससी होता है, उस वो इक्विवेलेंट है पाकिस्तानी 4 ईयर्स बीएससी के। स्टडी मोड की अगर बात की जाए तो बीएस ऑफ़र होता है सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी में जाके, यूनिवर्सिटी की कैंपस में, वहाँ बीएस ऑफ़र होता है। कॉलेजेस में बहुत कम है, जबकि बीएससी ज़्यादातर कॉलेजेस में ऑफ़र होता है। तो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादातर सूटेबल बीएस है, और जो स्टूडेंट्स कॉलेज में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादातर सूटेबल बीएससी है। वैल्यू की अगर बात करें तो बीएस की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और कोर्सेज, नंबर ऑफ़ कोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन वैल्यू बीएससी की भी कम नहीं है, बीएससी की भी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीएससी। कुछ स्टूडेंट्स 2 ईयर्स एसोसिएट डिग्री करके जाते हैं, वहाँ उनको फिर बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जॉब्स मिलती नहीं हैं, इशूज़ आते हैं। वैसे तो अगर बात करें हम वैल्यू की ओवरऑल भी, तो बीएस बहुत से बीएस वालों को भी जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स आती हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। बीएस करने वाले, बीएस उनके लिए बेटर है जो 4 ईयर्स स्टडी करके डिग्री लेना चाहते हैं, एक ऐसी डिग्री लेना चाहते हैं जिसके ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन बीएससी के बेनिफिट्स उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा टाइम स्टडी पे 4 ईयर्स नहीं स्पेंड कर सकते और फ़ीस भी ज़्यादा नहीं पे कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए एक रास्ता है बीएससी, ग्रेजुएशन का रास्ता उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा फ़ी नहीं पे कर सकते और ज़्यादा ड्यूरेशन की स्टडी भी नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए एक रास्ता है ग्रेजुएशन का, ताकि फिर वो आगे सीएसएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बीएससी के बाद भी। जॉब्स की बात करें तो बीएस की जॉब वहाँ भी है जहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, जहाँ 16 ईयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। 16 ईयर्स एजुकेशन में ऑब्वियसली बीएससी इक्विवेलेंट नहीं है, तो वहाँ बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इंटरनेशनली 4 ईयर बीएस की जो रिक्वायरमेंट है बड़ी बड़ी कंपनीज ने वो अब ख़त्म कर दी है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर जॉब करना चाहते हैं, उनको बीएस करें या बीएससी करें, उनको स्किल्स लाजमी आने चाहिए। कंपनीज को इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने बीएस किया या बीएससी किया हुआ है, 4 ईयर बीएससी की बीएस की रिक्वायरमेंट अब ख़त्म हो गई है। एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज ने 4 ईयर बीएस की रिक्वायरमेंट को अब ख़त्म कर दिया है। तो जॉब करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में बीएस या बीएससी का इतना बड़ा इशू नहीं है जितना स्किल्स का पर ज़्यादा फोकस है। अगर स्टूडेंट्स फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, डायरेक्टली मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर ऐसी सिचुएशन में बीएस करना बेटर है, ताकि वो फिर डायरेक्टली मास्टर कर सकें। बीएससी के बाद डायरेक्ट मास्टर नहीं हो सकता फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। ये थी डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक है, तो आप नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिए।